पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए जरूरी है कि पौधों में जो है सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। तो आज मैं आपके साथ में एक बार फिर से एक ऐसा फर्टिलाइजर शेयर करूंगी जिसका एक पार्ट मैंने शेयर कर लिया है और आपको मैं उसके मल्टी यूज बताऊंगी कि जिससे कि आप अपने पौधों को बहुत ही अच्छा हेल्दी, और वो एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, आयरन है, उसमें जो है सल्फर है, सब कुछ मिलेगा एक ही जो है हमारे फर्टिलाइजर में और हमारा बिल्कुल यूजफुल है जिसको हम फेंक देते हैं। तो मैं हमेशा आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही शेयर करती हूँ। तो हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। तो जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ में शेयर किया था, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, प्याज के छिलकों का यूज हमारे पौधों के लिए कितना उपयोगी होता है, वो हमारे लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं हमारे पौधों के लिए, तो उनसे हमारे पौधों का विकास बहुत अच्छा है होता है और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो या वेजिटेबल प्लांट, सभी पौधों को जो है एक बूस्टर का काम करता है। और उसमें जो है अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उससे फ्लावर आते हैं, और फ्लावरिंग हो रही है तो फ्लावर के साइज जो है काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ये ऐसा फर्टिलाइजर है जो सभी पौधों में यूज कर सकते हैं आप, इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, वेजिटेबल प्लांट। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बैगन का प्लांट है जो अपने आप ही जर्मिनेट हुआ था, इसको मैंने ये पॉलीबैग में लगा दिया और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ। तो ये सब ऑर्गेनिक जो हम मटेरियल्स डालते हैं फर्टिलाइजर बनाकर, उन्हीं के उपयोग से जो है उनको जो पोषण तत्व मिलता है उसी से जो है ये प्लांट अच्छे ग्रोथ करते हैं, और जब प्लांट हेल्दी रहते हैं तो प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सभी के घर में इस तरीके के प्याज के छिलके होते होंगे, जो लोग प्याज स्टोर करके रखते हैं उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे, और जो डेली यूज करते हैं उनके यहाँ पर थोड़ी थोड़ी प्याज निकलती होंगी, जिनकी छोटी फैमिली होगी, और जिनकी बड़ी फैमिली होगी उनके एक दिन में ही काफ़ी सारे प्याज निकलते होंगे। तो आज इसी का हम जो है मल्टीपर्पज यूज बताएंगे हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, कि इसको हम किस तरीके से हमारे पौधों में सभी प्रकार के जो पौधे होते हैं उनमें यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पौधों के लिए एक अमृत से कम नहीं है, इसके हम बहुत सारे उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज तो मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी प्रकार का डब्बा ले सकते हैं या जार ले सकते हैं, एयर टाइट जार होना चाहिए, उसमें जो है 4 से 5, अगर आपका 1 लीटर का जार है तो उसमें 4 या 5 प्याज के छिलके यूज कर सकते हैं, अगर आपका 2 लीटर का है तो उसमें क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको प्याज के छिलकों को यूज कर सकते हैं, और उसमें जो है 1 लीटर पानी जरूर डालना है आपको। तो इसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे और ढक के रख देंगे। अभी जो है विंटर चल रहे हैं तो विंटर के टाइम पे आपको जो है इसको एयर टाइट कर रखना है, और जो है 48 घंटे तक रखना है, लगभग 2 या 2.5 दिन तक मतलब आप रख सकते हैं, 3 दिन भी रख सकते हैं जहां पर ज़्यादा विंटर होती है। हमारे यहां तो विंटर बहुत ही कम है, तो हम लोग जो है 48 घंटे में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो जब इसको हम 48 घंटे, ये खाली मैं आपको एक ट्यूटोरियल बता रही हूँ, 48 घंटे बाद आपको जो है इस तरीके से ऐसे एयर टाइट डब्बे में रखना है, वो तो मैंने आपको ऐसे ही दिखाया है, इस तरीके का एयर टाइट डब्बा होना चाहिए। आप देख सकते हैं फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो है चालू है, तो ये 48 घंटे बाद का रिजल्ट है, और इसको जब हम छान लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिक्विड इसका रेडी होगा। ये मैंने छान के नहीं दिखाया है क्योंकि मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ लिक्विड खाद बनाने का प्याज का, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं ऐसे भरकर रखे रहती हूँ बनाकर, पौधों में मेरे यूज करती रहती हूँ, तो इस तरीके से। और उसके बाद में हमको इसका यूज कैसे करना है तो मैं इसको छान कर दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको छान लेना है किसी भी कंटेनर में, और जो हम छानेंगे उसके बाद में जो भी बचेगा उसका भी मैं आपको यूज बताऊंगी कि उसको किस तरीके से हमको यूज करना है। ये जो पील्स बचे हैं इनको आप 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं, या और बाद में आप क्या यूज कर सकते हैं मैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का लिक्विड निकल चुका है, और प्योर वैसा ही है जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया था। तो आप देख सकते हैं इतना सारा लिक्विड है। अब हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे, उसके पहले जो मैंने ये पील्स आपको भिगो कर दिखाए थे, इनको आपको प्रॉपर शेडी प्लेस में रखना है, मतलब जहाँ बिल्कुल भी धूप ना आती हो वहाँ एयरटाइट कर के आप रख दें। उसके बाद में जब फर्मेंट होगा तो जो मैंने बताया इसी तरीके से इसका जो है लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर रेडी होगा। उसके बाद हमको लेना है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में ये लिक्विड फर्टिलाइजर हमको जो है लगभग 2 ml के करीब ही डालना है, तो आप अंदाजे से डाल सकते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना हमको डाल देना है। आधे जो है गिलास से भी कम डालना है, तो हाफ का भी हाफ पार्ट गिलास का जो रहता है, जो हमारे बच्चे छोटी छोटी गिलास यूज करते हैं पानी पीने के लिए, उसका भी हाफ पार्ट इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर डालना है। और ये फर्टिलाइजर आप जो है आपके पास में जो भी जो स्प्रे बॉटल हो उसमें भर सकते हैं, उसमें भर कर डाल सकते हैं, या नहीं है तो आप जो है ऐसे ही स्प्रे कर सकते हैं इसको अपने पौधों पर।
तो मैं आपको स्प्रे कर दिखा रही हूँ, आप सभी प्लांट पर इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे ये फ्लावर के प्लांट दिख रहे हैं, तो मेरे गार्डन में जो है अधिकतर आपको फ्लावरिंग प्लांट ही देखने को मिलेंगे, लेकिन वेजिटेबल प्लांट भी मैं लगाती हूँ। वेजिटेबल प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट, सभी प्रकार के प्लांट लगाती हूँ, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही होती है। तो ये जो प्लांट आपको मुरझाया हुआ दिख रहा है, अभी मैंने वाटरिंग नहीं की है, मैं प्रॉपर अच्छी तरीके से धूप आ जाती है तभी वाटरिंग करती हूँ, तो इसलिए ये मुरझाया हुआ है। क्योंकि वेल्ड्रन सॉइल होती है तो उसके कारण जो है प्लांट को अगर टाइम पर पानी नहीं मिलता तो वो इसी तरीके से मुरझा जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इनमें स्प्रे कर देंगे तो इनमें जो है फ्लावरिंग बहुत अच्छे से बूस्ट होगी, फ्लावर के जो साइज हैं बड्स बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी और फ्लावर जो है इस तरीके से बड़े बड़े गुच्छे में फ्लावरिंग होगी। अब इस लिक्विड फर्टिलाइजर को हम एज अ पेस्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं, मतलब स्प्रे भी कर सकते हैं, और इस फर्टिलाइजर को हम जो है जड़ों में भी डाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने दिखाया ना कि ये जो है प्लांट मुरझा रहा है, तो आप इसमें जो है इसकी जड़ों में ही फर्टिलाइजर दे सकते हैं। आपके पौधे के अकॉर्डिंग ये फर्टिलाइजर दे, आपका पौधा कितना बड़ा है, उसको कितनी नीड है। तो गमला भी काफ़ी बड़ा है, 10 इंच का गमला है और इसमें जो है 2 से 3 पौधे लगे हुए हैं, तो मैंने ये फर्टिलाइजर इसमें डाल दिया है। तो दूसरे नंबर पर हम इस तरीके से डाल सकते हैं, इसकी जड़ों में डाल सकते हैं, और पहले नंबर पर मैंने बताया कि आप स्प्रे कर सकते हैं। अब तीसरा यूज जो है, ये जो हमारे ये ऑनियन के पील्स हैं, ये जो छिलके हैं प्याज के, इनको जो है आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। और ग्राइंड कैसे करना है, इनको अच्छी तरीके से सुखा लेना है धूप में, इस तरीके से कोई भी डीप बर्तन में आप रख सकते हैं, जिससे कि हवा से हमारे ये जो पत्ते हैं इसके प्याज के ये उड़े नहीं, और इनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद में आपको इस तरीके से मिल जाएंगे, इससे भी बारीक आप कर सकते हैं, मैंने इतना ही रखा है। और इनको हम बहुत आसानी से अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मेरा छोटा सा हिबिस्कस का प्लांट है, कटिंग से लगा हुआ। तो इसमें हम जब कभी भी ड्राई फर्टिलाइजर डालते हैं या कोई भी फर्टिलाइजर डालते हैं, तो कोशिश करें, अगर आपने गुड़ाई नहीं करी है पौधों की, तो 7 दिनों में जरूर गुड़ाई करें और फर्टिलाइजर दें। तो मैं इसमें फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजर दे रही हूँ। तो हम कितना लेंगे, लगभग इस ड्राई फर्टिलाइजर को हमको क्वांटिटी में लगभग 1 टेबल स्पून रखना है। आप टीस्पून भी ले सकते हैं, मैं टेबल स्पून का ही यूज करती हूँ अपने पौधों में। तो आप इसको 1 टेबल स्पून अपने पौधों में दे सकते हैं, कोई भी प्लांट में आप दे सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बार बार बोल रही हूँ कि आप किसी भी प्लांट में दे सकते हैं, इसको आप जो है सकुलेंट में भी दे सकते हैं। आपके जो हैंगिंग बास्केट वाले सकुलेंट प्लांट हैं, जैसे बेबी सनरोज है, अडेनियम है, वो भी एक सकुलेंट वैरायटी का ही प्लांट है, तो उसमें भी दे सकते हैं। लेकिन अभी आप बिल्कुल भी ना दें अडेनियम, तो अभी रेस्ट पीरियड में है। तो इस तरीके से आपको देकर और इनको जो है ऐसे ही स्टडी प्लेस में छोड़ देना है। अब जो आपको ये जो लिक्विड निकालने के बाद में ये जो पील्स बचे रह गए थे, इनका मैं यूज बताऊंगी कि किस तरीके से हमको ये यूज करना है। अगर आप एज अ फर्टिलाइजर बना रहे हैं या कंपोस्ट बना रहे हैं पौधों के लिए, आप चाहते हैं कि हमारे जो जितने भी पील्स होते हैं किचन के, उनका हम कंपोस्ट बनाएं, तो उसके लिए आप एक पॉट ले सकते हैं या कोई भी आप पॉली बैग ले सकते हैं। उसमें इस तरीके से होल होने चाहिए और उसमें जो है आप एक मुट्ठी मिट्टी डाल दें, जो भी मिट्टी आपके पास में हो। आपके पास में रेड सॉइल हो तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी आप कंपोस्ट बना सकते हैं। वो आपकी बाद में जो है ब्लैक गोल्ड के रूप में उभर कर आएगी। और जो ये जितना भी ये बचा है हमारा पील्स, इसको हम दोबारा भी 2 बार यूज कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है इस तरीके से इसको कंपोस्ट बना सकते हैं। तो बस इसको हमको इस तरीके से डाल देना है। आप चाहें तो कुछ ड्राई लीव्स भी इसकी डाल सकते हैं ओनियन की, और उसके बाद में हमको इसको फिर से मिट्टी से कवर कर देना है। ओनियन के छिलके क्या होते हैं, प्याज के छिलके बहुत धीमे धीमे डीकम्पोज होते हैं, तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप पौधा भी ऊपर लगा सकते हैं, उसके बाद में मिट्टी डालकर जो है अच्छी तरीके से आप पौधे को लगा सकते हैं। तो मैं जो है इसमें पौधा लगाऊंगी, ये जीनिया का डॉब वैरायटी का पौधा है, जो मैंने अपने ही टेरेस से बनाया है, आपके साथ में शेयर भी किया था। तो मैं जो है इसको लगा कर आपको दिखाती हूँ। अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो इस टाइम पर तो नहीं, अगर और बाद में दूसरे सीजन में लाते हैं तो आप उसकी मिट्टी को ज़रूर हटा लें। ये जो है मेरी गार्डन की ही सॉइल है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल भी हटाया नहीं है। इस तरीके से मिट्टी से कवर कर देंगे। आपकी जैसी भी सॉइल हो आप बना सकते हैं। ये जीनिया होते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर वाली सॉइल नहीं चाहिए। और जो हमने ये जो प्याज के छिलके हैं उनको डाला है, तो उससे इसको बहुत अच्छा सभी प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा और पौधे की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होगी। उसके बाद में हमको जो है
अपने पौधे के अकॉर्डिंग इसमें वॉटरिंग कर देना है, बस इतनी ही वॉटरिंग करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और ऑर्गेनिक गार्डनिंग जरूर करते रहने का, जो कि हमारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी गार्डनिंग।